कौन सा है, ये ऊपर जाएगा पूरा एवोकाडो। दूसरे वाले में है ये स्कूटर और चूहा, पता नहीं क्या गैलरी ऐसी। ओहो क्यूटी पाई निकली, तो ये इधर और ये गाड़ी है। कह रहे विच ईयर्स यू टोपी। खेल शुरू करते हैं और शुरू हो गया खेल। देखते हैं आज कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। 10 ठीक है, तो 10 वाले संख्या को छूना है, 10 वाले गुब्बारे को मतलब फोड़ना है जिसपे 10 लिखा है। 10 वाले को फोड़ रहे हैं धीरे धीरे, ये भी 10 और एक और 10, एक और 10। पूरा जितना ये पूरा सर्कल है हरा हरा, इसको पूरा करना है 10 फोड़ फोड़ के। इतने 10 कलेक्ट करने हैं हमें। एक और 10, एक और 10, शायद एक और 10 हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सी स्टेज है आगे, जो अलग है उसे चुने। देखो कौन सी अलग है, सारे जानवर हैं देखो, है गाय है, भेड़ है, खरगोश है, घोड़ा है, ठीक है, और ये याक है, बैल है, क्या है, याक है। तो उसके बाद ये क्या है, गाड़ी है। गाड़ी तो भाई जानवर नहीं है, तो अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी कहाँ ले जाते हैं हमको, देखते हैं। पहले सुलझाओ, देखो सूरज आधा कटा हुआ सा लगा, देखते हैं कहाँ कौन सा है। ये ऊपर जाएगा, पूरा सूरज गया, पूरा सूरज हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, क्या है आगे। तो फिर से गुब्बारे आए, तो गुब्बारे फोड़ने हैं जब तक ये पूरा ऊपर ग्रीन ग्रीन भर जाए तब तक। तो फोड़ते रहते हैं ऐसे गुब्बारे। गुब्बारे फोड़ने वाला बहुत मजेदार लगता है। सारे गुब्बारे फूट गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। आ जाओ आगे, ट्रेन आई है भाई, रेलगाड़ी आई है। इनकी चित्रों को डालना है। तो पहले वाले में क्या है, ये है एवोकाडो। दूसरे वाले में है ये स्कूटर और तीसरे वाले में जार जैसा है, तो ये स्ट्रॉबेरी वाला जार। सारे फिक्स हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेन चली गई और नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, चित्रों को पूरा करें। तो पहला वाला बर्गर जैसा लग रहा है, तो ये दूसरा बर्गर का हाफ यहाँ गया और बर्गर मिल गया। बर्गर कुछ और, मतलब कुछ और है, बर्गर जैसा ही दिख रहा था हाफ पट्टा। और सेकंड नंबर वाला ये गिलहरी या खरगोश जैसा कुछ लग रहा है, गिलहरी लग रही है, चूहा पता नहीं क्या, गिलहरी ऐसी थी। और तीसरा वाला ये है, और चौथा वाला ये फ्रेंच फ्राइज जैसा है, फ्रेंच फ्राइज ही है। सारे हो गए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये चारों हमने कर लिए कंप्लीट। आप लोगों को ये गेम कैसा लग रहा है बताइए, और कमेंट में भी लिखिए कि आपने ये गेम खेला है या नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं, पैटर्न को पूरा कर। तो पैटर्न में है पहले चूहा है, फिर कंगारू है, उसके बाद फिर चूहा, उसके बाद हमें क्या डालना है, कंगारू। तो ये तो इजी था बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, अब अगर कोई ऐसा गेम है जो आप चाहते हैं कि मैं खेलूं, तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि कौन सा गेम खेलें। सबसे बड़ा चुनें ये वाला है, तो वो गेम हम अगली वीडियो में खेलेंगे। और अगर आपको यही गेम अच्छा लग रहा है तो यही खेलेंगे, जैसा आप कहेंगे। बाकी मैं नए नए गेम ढूंढ के आपको बताऊंगी। तो इन तीनों बॉक्स में कौन सा चूज करूँ, अब मैं बीच वाला चूज करती हूँ। ओहो क्यूटी पाई निकली, तो ये इधर वाला आगे वाला चूज करती हूँ। अच्छा फिर से शफल हो गए, अब आगे वाला चूज के, आगे वाला निकला, ओ निकल गया, जीत गए हम। अब आगे बढ़ते हैं, सारे चले गए, अब आगे बढ़ते हैं। रंगों को मिलाएं, तो स्ट्रॉबेरी है रेड कलर की, स्कूटर है ये पीले रंग का, और ये ब्लूबेरी टाइप कुछ है ये है बैंगनी रंग की, और ये डॉल्फिन है ये सी ब्लू कलर की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आता है देखते हैं। आगे स्टेज पे
खेलने में मजा आता है इस गेम को, मतलब जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, मतलब बहुत छोटे बच्चे नहीं, जो स्क्रीन उन्हें नहीं देखनी चाहिए, जो मतलब 2-3-4 3 से 4 साल तक के बच्चे, 5 साल तक के बच्चे, 6 साल तक के बच्चे वो उसको पहचान लेंगे। अब इसमें गेंडा खोजना है, तो आपको पता है ये चिड़िया है, ये गेंडा है, ये हाथी है, गधा है, चूचू है, मतलब चिड़िया है और ये शेर है। तो गेंडा ये रहा, अब आगे बढ़ते हैं। इस गेम को खेल के आपको ना चीजों को, चित्रों को याद करने में भी बहुत मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया। चलो हमें गुब्बारे दे दिए फोड़ने को, फोड़ देते हैं जल्दी 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 सारे फूटते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। ओके, वाहन का अनुमान लगाएं। वाहन का अनुमान लगाएं। क्या अनुमान लगाना है भाई? पहले मोटरसाइकिल है, फिर एरोप्लेन है, फिर ये ट्रेन है, और ये गाड़ी है। तो ये होगा, ये नहीं था। तो ये आवाज थी किसकी? इस गाड़ी की। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आवाज सुनने का था, तो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए माइक लगा रखा है, तो इसलिए मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आप लोग खेलेंगे ना घर पे, तो आपको सारी आवाज अच्छे से सुनाई देगी। तो ये नीला नीला डायमंड शेप का हैंड, और ये कैसे शेप है? एक ये है ऐसे शेप वाला, सेम सेम हो गए। अब ये इसमें ऐसे वाली शेप बिस्किट की आ जाएगी, चंद्रमा जैसी शेप ना आधी, और ये ओवल ओवल ये शेप में ये आ गया, और गोल गोल में ये आ गया बॉल। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो फिर से कुछ नया सा खेलेंगे। अच्छा दिवाली आ गई, वाह दिवाली दिवाली दिवाली, पटाखे फोड़ो दिवाली। ये हो गए, अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के बाद अब क्या करना है? चित्र को पूरा करना है। ये जादूगर है, विच ये उसकी टोपी लग गई। पहले तो हमने टोपी लगा दी। अरे भाई लग जाओ, टोपी लगाई। उसके बाद इसकी दाढ़ी मूंछ लगाते हैं। अब इसके पैर लगाते हैं। लग गया, ये हमने पूरा कर लिया, जादूगर पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। ला 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 ला। किसके पास अधिक है? तो भाई चॉकलेट दिख रही है, ये वाली अधिक है, बहुत ज्यादा है, इसमें कम थी, तो अधिक वाली पे हमने लगा दिया। अब आगे चलते हैं। ये क्या है? स्टैंप इकट्ठा करें। कौन सी स्टैंप लें इसमें? ग्रेट जॉब, ग्रेट वाली, लुकास वाली, लुकास वाली लेते हैं। Lucas and friends, ये अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाने के बाद जानवरों को उनके बच्चों के साथ मिलाएं। तो ये हिप्पो, हिप्पो का छोटा सा बच्चा ये है, ये दूसरा जिराफ, जिराफ का छोटा सा बच्चा ये है, और ये है डॉगी, इसका छोटा बच्चा ये है, और आगे है बंदर, बंदर का छोटा बच्चा ये है। ठीक है, तो अब फिर से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। क्या है आगे खेलने के लिए? मजेदार मजेदार। ओके, संख्या गिने। तो पहला है 1 2 3 4, चार हिप्पो है ना, तो इसमें ये लगा देंगे। दूसरा है 2 मकड़ी है, तो 2 यहाँ लगा देंगे। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ये। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो ये 6 यहाँ पे लगा देंगे। ये भी कम्प्लीट हो गया। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और मजेदार भी देखते हैं क्या आएगा अब आगे। तो फिर से बलून आ गए। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और आज यहीं तक खेलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई और गेम चाहते हैं खेलने का तो बताइए, वो हम खेलेंगे साथ में। और अगले वीडियो में किसी नए गेम के साथ मिलेंगे। ये गेम तो हमने खेल लिया, देख लिया, अब कुछ नया ट्राई करेंगे।